टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं लहसुन पर विशेष। चूंकि पिछले कई दिनों से लहसुन सुर्खियां बटोर रहा है और इस समय पर ना सिर्फ इस देश के अंदर सुर्खियां बटोर रहा है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर और यहां तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी, और सिर्फ भारत की पार्लियामेंट में नहीं, अमेरिका की पार्लियामेंट में भी सुर्खियां बना है। तो उसकी तफ्तीश करने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए आजकल जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर लहसुन के मुख्य विशेषज्ञ माने जाते हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं और बहुत सारे लाखों किसान, यूं कहें कि करोड़ों किसान उनको फॉलो भी करते हैं, आज उनके साथ, उस शख्सियत के साथ हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है जितेंद्र खुराना, दिल्ली आजादपुर मंडी से। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट में। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, काफ़ी छा रहे हो आप। और लहसुन को लेकर के मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा फार्मर नहीं होगा जो आपका इंटरव्यू ना देखता हो, जो आपको फॉलो ना करता हो, कैसा लगता है? सर, मैं पहले बताऊं, अभी जो छाने वाली बात है ये तो अभी करंट की बात है, लेकिन सबसे पहला इंटरव्यू मैंने आपको ही दिया हुआ है मार्केट टाइम पर, आज से 7 साल पहले जी। तो तब दीपमाला शायद होते थे, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा। और अब ये 7 साल का सफ़र, तो देखिए इसमें कोई मशहूर होने वाली बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि एक एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट कंज्यूमर टू फार्मर ये पहुंचनी चाहिए। तो उसमें पूरी जान, जी जान लगा के मैंने रिपोर्टिंग की, सबको रिपोर्ट्स दी। हालांकि पिछले साल कुछ हमले भी हुए मेरे पे। अच्छा। हाँ, चाइना लहसुन के लिए मैंने, जो मैं आपके सामने से लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ चाइना लहसुन के लिए, कि चाइना बैन होने के बावजूद इंडिया में क्यों आ रहा है जी। तो उस पर पिछले साल भी मेरे पे खूब दिक्कत आई मेरे को। अच्छा। हाँ, मेरे पे हमले हुए सर, तो नहीं घबराए हम। मतलब ये तो लहसुन है भाई साहब, लहसुन में भी हमले होने लगे, आप देखिए ना भाई। सोना हो, कोयले की स्मगलिंग हो, तो समझ में आता है। एक्चुअल में सर क्या है, कोई भी चीज़ हो, अगर आप किसी चीज़ के खिलाफ सच्चाई लेके खड़े हैं तो आपको दिक्कत आएगी, वो भले कोई भी चीज़ हो। अब लहसुन में जैसे चाइना लहसुन बैन था और उसके बावजूद वो नेपाल के थ्रू स्मगल्ड होके आ रहा था। अभी पीछे आपने रिपोर्ट पकड़े देखी कि 8 ट्रॉली पकड़ी गई, उसके नीचे क्या क्या पकड़ा गया वो तो खबर दब गई। तो जो नीचे पकड़ा गया ना, वो उसके नीचे तो वो लोग थे जिनको दिक्कत थी, लहसुन में इतनी कमाई नहीं थी, लहसुन तो फ्री भी भेजते थे उनको चलता। जो नीचे वाले लोग थे ना, उसके नीचे जो सामान पकड़े, उन लोगों में से दिक्कत थी, तो उस वजह से हमले हो गए। ठीक है, प्रभु है बचाने वाले, तो मैं शुरू से नहीं घबराता जी। जी, तो अभी लहसुन सुर्खियां बना हुआ है, रिटेल बाज़ार के अंदर 500 रुपये तक लहसुन बिका। हालांकि नई क्रॉप आनी शुरू हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर, अराइवल्स लगातार बढ़ रहे हैं और तकरीबन एक एक मंडी में, चाहे वो नीमच की मंडी है चाहे इंदौर की मंडी है, 18,000 से लेकर के 30,000 बैग्स की वहां पर अराइवल देखने को मिल रही है। क्या लगता है प्राइजेज में, हालांकि कट ऑफ हुआ है, प्राइस नीचे आए हैं, 30,000 रुपये की चीज़ 18,000, 20,000, 15,000 रुपये पर भी आकर के बिकी है, प्राइस यहीं सस्टेन करेंगे या यहाँ से नीचे जाएंगे, या क्या लगता है वापस बाउंस करेंगे? नहीं नहीं सर, देखिए मैंने जनवरी में बोला था जो रेट जनवरी में मिले वो फरवरी में नहीं मिलेंगे, तो 500 तो कभी भी थोक में नहीं बिका। नहीं, थोक में नहीं, मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, थोक में तो 200, 250 और 30,000 रुपये तक भी गया। बस बस 200, 250, 300 थोक में बिका। रिटेलर्स ने अति मचाई, वो तो मैं शुरू से ही, मेरे ख्याल से आज से 2 साल पहले इंटरव्यू है आपके साथ मेरा, जिसमें मैंने कहा था कि गवर्नमेंट को रिटेलर्स के ऊपर आप कुछ ना लो, लेकिन एक आईडी बांटनी चाहिए, आपको एक पता होना चाहिए जो बाजार लगते हैं, जो दिन के बाजार होते हैं, सोम बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, इसमें कितने लोग उसमें बैठ के माल बेच रहे हैं, आप एक डाटा होना चाहिए, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देना चाहिए। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पे कंट्रोल में आ जाएगी, बिना आपके कंट्रोल किए कि जो रिटेलर है वो रेट उल्टे सीधे नहीं बोलेगा,
क्योंकि उसको खतरा होगा कि जैसे प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि उनका तो रजिस्ट्रेशन होता है तभी उनको वहाँ पे जगह मिलती है, तभी वो वहाँ पे अपनी दुकान लगा सकते हैं। आप प्रोडक्ट वाइज नहीं दीजिए, आप एज अ रिटेलर, जैसे हम यहाँ पे माल बेच रहे हैं हमारे पे लाइसेंस है, ऐसे उनको एक आईडी कार्ड बना दीजिए, जैसे आधार कार्ड है ऐसे एक आईडी कार्ड रिटेलर्स का बना दीजिए, जिसमें रिटेलर कुछ भी बेचे लेकिन उसको एक खतरा होता है कि मेरे पास कार्ड नंबर है, अगर ये कार्ड नंबर मेरा कैंसिल हो गया तो मैं रिटेल में माल नहीं बेच पाऊँगा। तो उसमें ये बिना आपके कंट्रोल किए ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे। तो जो ये जैसे 300 वाली चीज़ 1000 रुपये किलो बिकी मार्केट में, तभी तो हो हल्ला हुआ। लेकिन ये तो यहीं की बात होगी, ये तो दिल्ली के अंदर है, लेकिन मुंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर तो बहुत ऊपर के रेट देखने को मिले। सर जो रिटेलर्स है ना, वो दिल्ली का हो या कहीं का भी रिटेलर रिटेलर है, उसको अपना सारा खर्चा उसी एक कट्टा लहसुन या एक कट्टा प्याज या एक कट्टे आलू से निकालना है। उसमें आप हमारे जैसे नहीं है कि आपने दो रोटी सुबह खाई, दो शाम को, दो रात को, उसे नॉन वेज का भी खर्चा उसमें से निकालना है, दारू का खर्चा भी निकालना है, अपनी दवाइयों का खर्चा भी उसमें से निकालना है। तो बेसिकली कहने का मतलब उधर सारा खर्चा उसमें से निकालना है। तो उसे उन पर कंट्रोल, बेसिकली मेन मुद्दा है कि उन पर कंट्रोल कैसे आए। तो कंट्रोल मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब आप उनको आइडेंटिटी कार्ड्स देंगे तो आएगा। हम अभी मुद्दे से थोड़ा सा लीक से हट गए थे, अब आ जाते हैं एक्चुअल रेट क्या है जी लहसुन का। तो सर लहसुन का रेट मैंने आज से 2 महीने पहले बोला था, जैसे नई फसल चालू हो जाएगी और रेट बहुत अच्छे खासे डाउन होंगे, तो आज करंट का रेट है 40 रुपये किलो से लेके ऊपर में ऊपर 100 रुपये किलो, यानी 4000 से 10000 रुपये। बिल्कुल, ये 10000 रुपये देसी का है या ऊटी का है? सभी आ गए जी। अच्छा, प्रीमियम क्वालिटी 10000 रुपये। हाँ, 110 रुपये के रेट्स हैं। आप ये देखिए, ये इतना बेहतरीन लहसुन है जी। ये मैं 110 रुपये का दे रहा हूँ, आप ये देखिए, ये थोड़ा सा जूम करके आप दिखा सकते हैं। जूम करके दिखा सकते हैं, ये लहसुन तो 80% दिल्ली को खाने को नहीं मिलता। अच्छा, जो आपको मिलता है खाने को, ये माल के ऐसे माल मिलते हैं, ये आप दिखाइए जरा। हाँ, तो उसमें लोगों को वो नीचे वाला भी लहसुन एक बार आप जूम करके और दिखा दो, पैन कर दीजिएगा, ये उधर वाला नूर, ये नूर, नूर क्या है? वो मार के लगा रखे हैं, और लहसुन का कोई ब्रांड नहीं। अच्छा, वो देसी लहसुन है? देसी है, ये सब देसी है। ठीक है, और हाँ ये ऊटी है। अच्छा, पीछे वाला ऊटी लहसुन है। ओके, तो ये ऊटी लहसुन का आज का भाव क्या है? ये 120 रुपए हम कह रहे हैं, मैं 110 रुपए का पक्का पोजीशन समझ रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि अभी कल परसों तक जो मध्य प्रदेश की मंडियां जो बोल रही थी, चाहे वो इंदौर की हो या नीमच मंडी हो, वहां पे जो प्राइस मिले वो 15000 रुपए, इनफैक्ट 18000 रुपए पर भी बोले गए हैं, और दिल्ली की आजादपुर मंडी में 11000 रुपए का भाव, वहां नीमच में, क्योंकि माल तो वहीं से आ रहा है दिल्ली के अंदर, कहीं और से तो आ नहीं रहा, मध्य प्रदेश का ही माल है इस समय पर, तो इतना गैप, और क्या नुकसान के अंदर बेच रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये एक्चुअल में जब नई क्रॉप चल रही होती है तो इसका कोई ये नहीं होता ये रुकेगी कहाँ, ऊपर से गिर रही है। तो ऊपर से जब गिर रही है, किस स्पीड से गिरेगी किसी को भी नहीं पता। अभी पिछले एक महीने में, जो फरवरी का महीना गया है, कोई भी भले वो व्यापारी हो, किसान हो या आड़ती हो, किसी ने भी नहीं कमाया, सब लॉस में गए हैं। अब जाके एक स्टैंड आ गया 40 से लेके 80-100 रुपये का। अब ये वहाँ पे जो प्रोडक्शन मार्केट्स हैं उसमें रेट चल रहा है 40 से 80 रुपये आज, इससे ऊपर रेट नहीं है, और उसी भाव के हिसाब से यहाँ पे 60 रुपये से 100 रुपये का भाव। ये एक्चुअल पक्की पोजीशन है, अब ऑल ओवर इंडिया यही पोजीशन आप समझे ये टिक गई। सुनने में आ रहा था कि लहसुन की क्रॉप डैमेज भी हुई है, उससे प्राइस संभल सकते हैं क्या? कितना एक डैमेज आप मान करके चल रहे हो? क्योंकि देखो 33 लाख मीट्रिक टन के आसपास का भारत का प्रोडक्शन है, ठीक है, जो कि अगर मैं वर्ल्ड की कंजम्पशन के हिसाब से मानूं तो मात्र 9% है। तो अगर उसको देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि अगर एक्सपोर्ट, हालांकि देखिए पिछला जो साल गया उसको एक्सपोर्ट ने बड़ा संभाला, और एक्सपोर्ट होने की वजह से एक अच्छी खासी हमने तेजी देखी, अभी क्या लगता है बाजार स्थिर रहेगा, गिरेगा या क्या होगा? देखिए, जो बाजार गिरना था वो तो गिर चुका। अच्छा, अब यहाँ पे जो माहौल बन गया कि हम किसानों को करना क्या चाहिए, मैंने पहले भी बोला था कि जब 40 से 60 का भाव आए या 50 से 70 का भाव आए, तो इसमें हमारे को जो बेचने की स्पीड है वो कह देनी चाहिए जस्ट 1/4। वजह क्या है,
चाइना में भी लहसुन की फसल ख़राब हुई है, ऑल वर्ल्ड की कंजम्पशन 80% चाइना पूरा करता है, जिसके लिए कई कंट्रीज अब उस पर भी बैन लगाने की सोच रही हैं, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट्स खुल के आई हैं, आप जैसे लोगों ने जो बताई कि ये जो प्रोडक्शन कहते हैं सीवेज पानी से, और उसके बाद निकालते हैं ब्लीच कहते हैं, जैसे हमारा लहसुन निकला। देखिए, यूएस के जो सेनेटर हैं उन्होंने पिछले महीने पार्लियामेंट के अंदर में यूएस की, उन्होंने ये विवाद खड़ा किया है कि चाइना का जो लहसुन है जो अमेरिका रीच कर रहा है उसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक थ्रेट है कंट्री के लिए, कि भाई एक साजिश है चीन की कि वो इस लहसुन को जिस तरीके से पैदा कर रहे हैं वो यहाँ अमेरिकियों की जो हेल्थ है उसको डैमेज करेगा, और उसको ख़त्म करने के लिए उनकी ये साजिश है कमज़ोर करने के लिए शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि कई सैंक्शंस और लग रहे हैं, अभी पीछे एक रिपोर्ट और थी कि आज और कल के अंदर में चाइना की 3-4 कंपनियों के ऊपर पे और बैन लगने वाला है, जिसमें सेनेट के अंदर में ये मुद्दा उठा है, क्या इसका फ़ायदा भारत को मिलेगा, यहाँ से रूट होगा, क्योंकि गार्लिक फ्लैक्स अमेरिकी कंपनियों को जाने लगा है, ये एक प्लस पॉइंट है। उसके अंदर भी हमने एक जंप आते हुए देखा, 100 रुपये का जो भाव था वो 110-120, उसको किस तरीके से देखते हो? सर देखिए, जो अमेरिकी सीनेट अभी विचार कर रहा है उसको हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट आज से 15 साल पहले बैन कर चुकी है। 15 साल पहले हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ये वायरस पकड़ लिया था। ये देखिए, जो ब्लीच कहते हैं हमारे लहसुन ऐसे निकलता है जब नया होता है, ठीक है, और जब ये सूखता है तो इसका ये छिलका अपने आप उतर जाता है। अब चाहे ये देखिए, अब जो चाइनीज़ क्या कहते हैं, इसको गीला निकालते हैं क्योंकि पकड़ मजबूत रहती है, और इसको उठा के ब्लीच कर दिया जाता है, ब्लीच कहते हैं वाइट हो जाएगा। और ये प्रोडक्शन जो कर रहे हैं सीवेज पानी से, क्यों उनका मोटिव, वो मुद्दा क्या है कि जी हम तो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। सबसे बड़ी हास्यप्रद बात यह है कि चाइना कह रहा है कि चाइना ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, हिंदुस्तान बोले एक सीरियस पन आता है, लेकिन चाइना बोले कि वो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है तो एक हंसने वाली बात है। खैर, जिस हिसाब से चाइना का लहसुन 30% के आसपास डैमेज हुआ है, जो भी बर्फ पड़ी है, और हमारे इंडिया में भी अभी ओले ओले पड़े थे, इससे थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, उसके उसको भी देख लो, प्लस हमारी 2 साल से डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली पड़ी है। अब 2 साल से उन्होंने कोई माल नहीं बनाया, 2 साल पहले जब 5 रुपये किलो का भाव था उन्होंने माल बनाया था, उसके बाद अब ये इस टाइम ये खाली होने की कागज पे, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री पूरी, अचार इंडस्ट्री खाली है। अब आ जाते हैं हम इस भाव से कितना हमारे को लगता है जंप आ सकता है कि नहीं आ सकता। 101% इस साल बहुत बढ़िया साल है, जंप आने की उम्मीद है। वजह क्या है, जो मैंने बताई कि जैसे डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली है, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में जो हम गार्लिक फ्लेक्स की बात करें, जिसमें मैंने स्माइल की थी, गार्लिक फ्लेक्स को हमने ही सबसे पहले 7 साल पहले बताया था इंडिया को, नहीं तो एक छुपा हुआ प्रोडक्ट था जो कि माल बंद था कई सालों से, लेकिन एक आम जन को नहीं पता था कि गार्लिक फ्लेक्स या गार्लिक पाउडर चीज क्या है। आज गार्लिक फ्लेक्स जो कि 39 रुपये किलो का पड़तेगा था 2 साल पहले जो बना था, वो पिछले एक साल से 80-90 में छूल रहा था, 3 महीने में वो चीज़ 90 से लेके 110 हुई, आने वाले टाइम में ये 110 से 150-160 तक जाएगा। अच्छा, जो माहौल उसका फ़ायदा किसानों को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं वही कह रहा हूँ कि इस भाव पे आके हमारे को सिर्फ अपने लागत जितना माल निकालना चाहिए, उसके बाद थोड़ा रुकना चाहिए या आराम से बेचना चाहिए। मैं रुकने का बोलता हूँ तो एकदम से मार्केट में खिंचावट आ जाती है, तो फिर वो बात बोली जाती है कि जितेंद्र खुराना मार्केट कंट्रोल कर रहा है। तो भाई साहब, मैं पहले खुला बता दूं कि ना तो मैं स्टॉक कहता हूं, नॉर्मल सा आड़ती हूं, ईमानदारी से सबको एक्चुअल रेट्स बताता हूं। किसान फॉलो करता है भगवान की कृपा है या उन लोगों का विश्वास है। तो हमारे को ये इस टाइम में लागत जितना लहसुन बेचना चाहिए, बाकी धीरे धीरे करके निकालें। जैसे ये लहसुन सूखेगा आप देखिएगा, ये जो भाव आ गया है कभी भी स्टॉकिस्ट मैदान में आ सकता है, कभी भी, भले वो 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए, तो घबरा के लहसुन नहीं निकालिए। लेकिन अगर हो रखी है,
जो फेंका फेंक हो रखी है, दो दो लाख कट्टा मार्केटों में आ रहा है, तो अगर इसी स्पीड पे आया तो ये लहसुन 20-25 रुपये पे ले आओगे, जबकि आगे हमारे को लगता है कि लहसुन 100-150 रुपये पे जाएगा दोबारा, तो हमारे को यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि अभी वेट करना चाहिए क्योंकि अभी क्रॉप जो है वो गिली भी है, अब जब वो रखेगा किसान अपने पास में, आज मान लीजिए कि उसको एक क्विंटल, जो आज की सिचुएशन है एक क्विंटल की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक क्विंटल सूख करके 15 दिन बाद, एक महीने बाद उसका वेट तो लूज़ होगा क्योंकि वो सूखेगा, अपना वेट लूज़ करेगा, तो जब वेट लूज़ करेगा तब भी तो पैसे की हानि होगी। सर देखिए, भाव क्या है, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, राइट। अब इसमें कितना वजन चला जाएगा क्विंटल पे, 1-2 किलो, कितने का चला गया, 1 रुपये किलो, 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो का पड़ गया, बस जाने को 2 रुपये हैं, आराम से बेचने को 15-20 रुपये किलो। आगे आने वाले एक महीने के अंदर या एक डेढ़ महीने तक ये जो जंप है 15 रुपये किलो से 20 रुपये किलो का आएगा। लेकिन जो हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी मध्य प्रदेश की, उसमें तो जो फार्मर है वो गाड़ियां लगी हुई हैं, पूरा सीज़न है, और यहां तक कि अगर मैं मंडी के बाहर का दृश्य अगर आपको बताऊं तो वहां पे इतना ट्रैफिक की सिचुएशन जो है वो आ रखी है, तो उसको किस नज़र से देखें, क्योंकि किसान तो रुकेगा नहीं, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, वो रख नहीं सकता, तो इसको कैसे देखा जाए। सर मैं वही बता रहा हूँ ना, स्टोरेज कैपेसिटी की हमारे इंडिया में दिक्कत है, अगर ये स्टोरेज कैपेसिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे प्रोडक्शन एरियाज में ऑल ओवर इंडिया, तो मैं चैलेंज देता हूँ, जो हमारा 9% एक्सपोर्ट है ना हमारे इंडियन गार्लिक का, ये जस्ट जंप मारे 30%। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, उस इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी तो तुरंत बिल्ड नहीं होगा, नहीं उसको होगा। तो करीबन 3-5 साल का टाइम लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये मोदी जी हैं इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये अगर चाहेंगे तो इनको सिर्फ ऑर्डर देना है और लोग काम करते हैं साहब, ये 6 महीने में खड़ा कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, कुछ नहीं कहना इन्होंने, बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले इनके पास ऑफिसर्स बैठे हैं, लेकिन हमारे कहने से तो नहीं करेंगे, हमारे कहने से तो नहीं करेंगे ये। अब यहाँ पे किसानों को क्या कहना है, किसानों को भैया सिर्फ लागत का लहसुन लाइए आप, जितना आपकी लागत है उतने का बेच लो, जिससे आपका हार्ट टाइट ना हो, आपके खर्चे जो आपने लगाया है वो निकल जाए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आराम से करके बेचिए। मैं समझता हूँ कि हल्का सा भी आपने इस पर फॉलो किया किसान भाइयों ने, तो इसका रिजल्ट आपको 15 दिन, 1 महीने बाद दिखेगा। जितेंद्र जी, मेरा एक सवाल ये है कि जब इस साल ऑल टाइम हाई, पहली बार 60,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान ने किया है विदेशों के अंदर लहसुन का, तो ये प्रथा हर साल क्यों नहीं हो सकती, आप लोग इंटरनेशनल मार्केट्स के वेन्यूज़ क्यों नहीं तलाश करते, उस मार्केट साइज़ को आप बड़ा क्यों नहीं करते, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इस समय पर मार्केट शेयर चाइना के पास में है, 80% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट में चाइना रूल करता है, उसमें आप अपना परसेंटेज शेयर जो है उसको क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहे, उसके पीछे क्या वजह मानते हो? सर देखिए, हर साल आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, आप इस बारे में बहुत मशहूर हो मनचंदा साहब, आपको पता है हर साल 15-20% हमारा इंडियन गार्लिक एक्सपोर्ट बढ़ रहा है जी, रॉ गार्लिक भी और गार्लिक फ्लेक्स भी जी, गार्लिक फ्लेक्स तो 25-30% बढ़ रहा है जी, और इस साल खास कर इस साल ऑल ओवर वर्ल्ड ने हमारे, अभी जो दुबई फेयर लगा था जी, गल्फ, हाँ तो वहाँ गल्फ जो फेयर लगा था जी, गल्फ, इसमें आप देखें कि हमारे इंडियन गार्लिक को कितना डिमांड रही है और बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी मिले इंडियन गार्लिक को जी, इसमें गार्लिक फ्लेक्स बहुत बूम मारा है, जो मैं कह रहा हूँ बढ़ेगा गार्लिक फ्लेक्स इसी वजह से कि उसके ऑर्डर बहुत अच्छे मिले अभी एक्सपोर्टर्स को, प्लस इंडियन रॉ गार्लिक की भी बहुत अच्छी डिमांड इन्होंने मांगी है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक्सपोर्टर को मिल गया जी हमने 500 टन का उसको माल चाहिए, उसने साइज़ बताया जी 5 mm का, मेरे को 500 टन चाहिए, अब कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्लेटफॉर्म नहीं है,
चाइना पे क्या प्लेटफॉर्म पड़ा, वो क्या कहते हैं कि किसान भी स्टॉक करना चाहे, कोल्ड स्टोर में गया अपना माल रखा, नहीं अगर मद्दा बिक रहा है, जैसे अभी यहाँ 40 में बिक रहा है और जो माहौल चल रहा है, अगर किसान ने नहीं सुनी तो 30 पे आ जाएगा, 30 से 50 पे आ जाएगा, जो अभी 40 से 80 है। अब वहाँ पे किसान क्या कहता है, या तो उसका वहीं पे खेतों में ही एक्सपोर्टर पहुँच जाता है कि भाई इसमें ये साइज़ हमारे को दे देना, बाकी आप लोकल मार्केट ले जाना, नहीं तो वहाँ पे एक ट्रेंड है कि किसान ने माल निकाला, कोल्ड स्टोर में गया, कोल्ड स्टोर में उसको 50% हाथ के हाथ मिल गया और वो माल रख दिया उसने वहाँ पे, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म, वो उसका डाटा पहुँच गया गवर्नमेंट में। अब वहाँ पे उनको पता है कि कितना उनके कोल्ड स्टोरों में माल पड़ा, उसके बाद वो रेट्स निकालते हैं, उस हिसाब से माल खरीदते हैं। नहीं, इसमें फार्मर खुद इनिशिएट क्यों नहीं करते, जब गवर्नमेंट ये कहती है कि FPO आप डेवलप कीजिए, क्लस्टर जोन को आप डेवलप करें, और मध्य प्रदेश अपने आप में ही लहसुन की खेती के लिए क्लस्टर है, एक बॉल है, ठीक है जी, तो वहाँ पे FPO और FPC इसको इनिशिएट क्यों नहीं करते, फार्मर्स मिलकर के ही इसको इनिशिएट करें, क्योंकि सरकार तो इसकी व्यवस्था दे रही है, उसके ऊपर पे एक अच्छी सब्सिडी है सरकार की तरफ से कि आप कोल्ड स्टोरेज लगाइए, आप उसमें अपना गार्लिक वहाँ पे लगाइए, या इसका इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन जो है वो आप इंक्रीज कर दीजिए, आप गार्लिक पेस्ट बनाइए, आप गार्लिक पाउडर बनाइए, आप गार्लिक फ्लेक्स बनाइए, जो इंडस्ट्रीज की जो डिमांड आ रही है, फूड इंडस्ट्री की तरफ से जो डिमांड आ रही है, उसमें तो FPC एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है, तो फिर ग्लिच कहाँ आ रहा है? सर बिल्कुल कर सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कोई प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार ही नहीं होते। किसान कहता है यार देखो, किसान ना एक भोला सा वो होता है, वो 6 महीने मेहनत कर लेगा, लेकिन जब उसकी फसल पकती है ना, उसको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो कहता है मैं तो मंडी गया, माल बेचा, जो भाव बिका, पैसे लिए अपने, जो जिससे लिए थे उसको दो, अपने खर्चे पूरे करो। हमारा किसान हिंदुस्तान का जागरूक नहीं है, ये पिछले 4 साल से 3 साल से जागरूक होना चालू हुआ, क्योंकि उनको ये सोशल मीडिया ने एक बिल्कुल पता चलना चालू हो गया कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा, नहीं तो इनको कुछ नहीं पता होता था, ये सब कुएं के मेंढक थे। आज इनको ये पता है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारे को बेचना है, रुकना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना। अब वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है, यहाँ पे किन की वो चलेगी, यहाँ पे आप जैसे लोगों को आना पड़ेगा आगे। अब जैसे आप मेरे ख्याल से पहली बार अपना स्टूडियो छोड़ के मंडियों में खुद आए हो, जहाँ तक मैं आपके लिए जानता हूँ, तो आप पहली बार आप मंडियों में आए, तो आपको आप कि मैं पहली बार नहीं, मैं बहुत आता रहा हूँ, लेकिन ऐसे इंटरव्यू आपने पहली बार किया होगा तो इससे क्या है भाई साहब, लोगों को जागरूकता बढ़ेगी, उनको पता चलेगा मंडियों में माल कैसे बिकते हैं, एक्चुअल रेट क्या है। आज की तारीख में कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। अब रिटेल में वो कहता है ना कोई कि 800 रुपये किलो लहसुन, मैं तो क्या कह दियो, ये लो ये देखो, यहाँ पे तो जितेंद्र गुराना बोल रहा है 200 रुपये किलो है या 100 रुपये किलो है, तो वहाँ पे वो क्योंकि रिटेलर को पता है वो मंडी दो जाता है, तो उसको पता है कि जितेंद्र गुराना कौन है, तो वहाँ पे ये अब कंट्रोल में आ गई है चीज़ें। इसीलिए मार्केट टाइम्स टीवी जो है जल्द दुनिया का पहला इसी तरीके का चैनल जो है वो लॉन्च कर रहा है, जिस पर 24 घंटे मंडियों की ही खबरें चले। बहुत बढ़िया, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मनचंदा साहब, और मैं तो चाह रहा हूँ जिस स्पीड से, जिस जुनून से आप लोग उतरे हैं, उस जुनून को मेंटेन करके रखिएगा। ये पहली बार मैंने आपकी टीम देखी है इतनी, आप जो है इस टीम की तरफ वो दिखाइए, घुमाइए जरा कैमरा, ये सब मनचंदा साहब की टीम है जी, ये देखिए, ये अभी इधर भी यहाँ दिखाइए, इनकी टीम है। तो आप अगर इतनी टीम लेके 10 लोग लेके आप मार्केट में उतरे हैं, तो 101% इसके आगे आपकी सोच बहुत लंबी होगी। मैं आपको बहुत पर्सनली कई सालों से जानता हूँ, अगर आप इतनी बड़ी टीम लेके मार्केट में उतर रहे हो, 101% कुछ ना कुछ बड़ा कहने जा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो बोला FPO FPC, इसके लिए सर आप जैसे लोग आगे आए, आप लोग इस टॉपिक को बार बार उठाइए, किसानों को पता चले FPO होता क्या है। मजे की बात, FPO साउथ में बहुत मशहूर है किसानों के अंदर,
पंजाब हरियाणा में भी बहुत मशहूर है, पंजाब हरियाणा में है इतना नहीं है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में भले एमपी ले लें, राजस्थान ले लें, यहाँ किसी को नहीं पता व्हाट इज एफपीओ, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में किसी को नहीं पता, सिर्फ साउथ इंडिया में किसानों को पता है कि अगर हमने माल बेचना है तो किस हिसाब से बेचना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो लोग जागरूक है, इसलिए उनके माल कभी नहीं पिटते, उनकी प्रोडक्शंस कभी भी नहीं पिटती। आप अपने देख लेना, यहाँ पे जैसे पंजाब का किसान है वो सिर्फ चावल और गेहूँ ही बोता है, जिस पे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था आप इससे हटके कुछ और बोइए, कि अगर आपको आगे बढ़ना है आपको बीक की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना, आप लोगों के नसीब अच्छे हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या वो टीम ऐसी मिली है जो कि चल के ज़मीन पे आके बता दें आपको कि आप लोग ये बोइए ये नहीं बोइए, आज तक किसने आके बताया। देखिए हर एक चीज़ का ना एक सरकमस्टांस होता है, जब फूड की समस्या हिंदुस्तान के अंदर थी 1964 और 5 के अंदर में, तब ग्रीन रेवोल्यूशन की देश को ज़रूरत थी, और ये जो इलाका है हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, ये इलाका ऐसा था जहाँ पे फूड ग्रेन बड़ी तेज़ी के साथ बड़ा अच्छा ग्रो कर सकता था, तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत में MSP को इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे किसानों को प्रोत्साहन दिया गया कि भाई आप यहाँ पर गेहूँ और चावल जैसी फसलें उपजाओ ताकि देश के अंदर जो गेहूँ की किल्लत है उसको दूर किया जा सके, क्योंकि इम्पोर्ट होता था पहले और वो जो दूसरे देशों से इम्पोर्ट होता था वो आँख भी दिखाते थे। तो आज की स्थिति ये है कि आज हिंदुस्तान चावल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है और तकरीबन आप ये लगा करके चले कि 40,000 करोड़ रुपए का चावल जो है हर साल वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जब पहले इंपोर्ट होता था वो आज एक्सपोर्ट की स्थिति के अंदर आ गए, तो अब सिनेरियो थोड़ा सा उस हिसाब से चेंज हो गया। ठीक है, तो और अच्छा, पानी की भी किल्लत, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बड़ा इशू है, वो लगातार नीचे खिसक रहा है, इसलिए शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के अंदर में, वो एक अलग एक पैटर्न है। लेकिन जहाँ तक FP और FPC की बात है, उसमें निश्चित तौर के ऊपर पे किसानों के पास में बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करना चाहिए, FPCs लेकर के उसको लिस्ट भी कराना चाहिए, आजकल तो ऐसी सुविधाएं हैं कि किसान अपनी कंपनी बना करके और उसको लिस्ट भी करवा सकता है। मैं वही बता दूं ना, सुविधाएं हैं, लेकिन एक 2 बीघा, 1 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा वाला किसान, आप भी समझते हैं जब आप मार्केट में उतर रहे हैं, आपकी टीम MP में भी घूम रही है, तो कैसे किसान 10 बीघे वाला या 2 बीघे वाला अपने को लिस्ट करवाएगा? नहीं, वो FPC बनाएगा ना, इसीलिए FPC बनाया गया। सर वही मैं कह रहा हूँ कि कोई ना कोई इसको चीज़ को लोगों में जागरूकता करे, जिससे कि ये चीज़ें किसान को समझ आए। और बल्कि मैं तो मार्केट टाइम्स TV के माध्यम से आपको कहूँगा कि आप किसानों के साथ मिलकर के एक FPC बनाइए और किसानों को, लहसुन के किसानों को आप आगे लेकर के चलिए। बिल्कुल साहब, मैं तो कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल किसानों के लिए, आप जहाँ पे मेरे को खड़ा करना चाहो, बिलीव करिए मैं खड़ा होने को तैयार हूँ। देखिए मेरा इतना माल पड़ा है और मैं यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, ग्राहक इतना वापस आया गया, हमारा मकसद है जिस चीज़ से हमको रोटी मिल रही है उसको जो पैदा कर रहा है वहाँ से लेके जो खा रहा है, बेसिकली पूरी इको फूड चेन, तो वहाँ तक सबके पास एक जेन्युइन तरीके से एक चेन मेंटेन होनी चाहिए। अब होता क्या है, या तो खाने वाला मर जाता है, आप अकेला ये नहीं सोचिए पैदा करने वाला मर रहा है, कई बार खाने वाला भी मर रहा है। अब जैसे 1,000 रुपये किलो कोई खाएगा तो उसको तो दर्द होगा साहब, है ना, कोई 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो प्याज खाएगा उसको दर्द होगा, कलकत्ता और मुंबई के अंदर 1,000 रुपये किलो, है ना जी, तो उनको दर्द होगा। ये चीज़ें अगर मेंटेन हो जाती हैं FPO FPC, तो इससे चेन मेंटेन हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे लोग आगे आएँ, मैं अपनी सुविधा देने को तैयार। जी बिल्कुल, मार्केट टाइम्स TV आगे आया है और जितेंद्र जी आपने तमाम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की और काफ़ी समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितेंद्र खुराना जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने लहसुन का इनकोड किया, यानी कि उसकी पूरी डिकोडिंग की और आपके सामने पूरे बाज़ार को रखा।
जो कि जितेंद्र जी ने बताया कि अभी का बाजार जो फिलहाल है ऊटी लहसुन की अगर हम बात करें 11,000 रुपए के आसपास, दिल्ली की आजादपुर मंडी में जो आपका देसी लहसुन है वो 4,000 रुपए नीचे तक में बिक रहा है, अभी बाजार जो है वो थोड़ा सा इसी पशोपेच के अंदर रहेगा, थोड़ा सा हो सकता है कि फिसले, लेकिन अगर जिसकी कैपेसिटी अगर उसको रखने की है तो वो रखता है तो बाजार आगे जाकर के संभलता हुआ भी दिखाई दे सकता है, ऐसा जितेंद्र खुराना जी का मानना है। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।